हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। इस वीडियो में हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में से जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया है? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया है। राइट आंसर रहेगा 1956। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है? राइट आंसर रहेगा दिफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश का एक और प्रसिद्ध दर्रा रहेगा बोमडिल्ला। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं? कौन से शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य को प्रदर्शित किया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मणिपुरी। मणिपुरी राइट आंसर रहेगा। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य को प्रदर्शित किया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य रहेगा। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात निम्न में से किस राज्य में है? 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए ऑप्शन में से सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य की है? का राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या लिंग अनुपात सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का है, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात केरल का है। लिंग अनुपात 1,000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या पे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तमिलनाडु राज्य में स्थित है महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? लोह आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है लेटेराइट मृदा में। लेटेराइट मृदा कहवा और काजू उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को एंजाइम कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? राइट आंसर रहेगा सुलभ ऋण। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, सुलभ ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रामनार समिति की को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था? रामनार समिति को तमिलनाडु राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। रामनार समिति को तमिलनाडु राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। इस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक विवेकाद्दीपिनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? प्रसिद्ध पुस्तक विवेकाद्दीपिनी किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर रहेगा आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, भाग 16 है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगुट्टी काश्यम के में पराक कैम्ब्रियन काल के निक्षेप और प्रति में लगभग 8 ग्राम स्वर्ण होता है। राइट आंसर रहेगा 10 सेल। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, 10 सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? राइट आंसर रहेगा अंटार्कटिका महासागर। मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर अटलांटिक महासागर के भाग हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएसडी बैंक नार्ड ओपन टूर्नामेंट 2020 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? पीएसडी नार्ड ओपन टूर्नामेंट 2020 किस देश में आयोजित किया गया? राइट आंसर रहेगा जर्मनी। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएफएससी कोड अंकों वाला संख्याओं और अक्षरों से निर्मित कूट होता है जो विशिष्ट रूप से किसी बैंक की शाखा को चिन्हित करता है। इसमें होते हैं 11 अंक। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित हैं? अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।